दोस्तों, आज जैसे कि मार्केट एक फ्लैट नोट के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये फ्लैट क्यों हुआ है? थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे हॉल्ट लिया है और फिर से अप ट्रेंड में जाएगा, या फिर यहाँ पे मार्केट अगर एक पॉज लिया है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज के मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि एक अप्रैल को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन सब में मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप बाकी तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली हो, वीकली हो, और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो है, वो देख के आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। दोस्तों, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले 2 तारीख को यानी सैटरडे को हमारा एक फ्री वेबिनार है फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेडिंग करना है यहाँ पे बता दूंगा। तो ये वेबिनार आप अटेंड कीजिए और मेरे साथ फ्यूचर ऑप्शन और स्ट्रेटेजी सीखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। 33 पॉइंट नेगेटिव है और बैंक निफ्टी 39 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी मार्केट यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। अगर मोर देन 50 पॉइंट नेगेटिव होता तो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, या पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव। अगर हम लोग देखेंगे तो कभी भी मार्केट यहाँ पे एक साथ ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा हॉल्ट करके ऊपर जाता है। तो एक मार्केट का, जैसे कि मैंने कहा आपको, एक इम्पोर्टेंस लेवल भी है 17,500, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा हॉल्ट भी करेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया है और इससे मार्केट रिवर्स होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, मार्केट रिवर्स होने के लिए एक तो नियर लो अगर ब्रेक करता है तो रिवर्सल होता है, या फिर यहाँ पे कोई एक रिवर्सल कैंडल बनाता है तो थोड़ा रिवर्सल का साइन हमको दिखता है। आज का जो अगर मार्केट हम लोग देखेंगे तो एक जैसे नॉर्मल हॉल्ट है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने के लिए अभी जो लेवल होगा 17,636 का, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छे मोमेंटम मिलेगा, लेकिन उसके पहले 17,500 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है। नीचे हम लोग निफ्टी का जो कि टॉप लॉस 17,341 यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि एक अच्छा लेवल जो है कि ब्रेक करके निफ्टी ऊपर स्टैंड है। तो यहाँ पे निफ्टी जो है कि जैसे प्राइमा फेसी हम लोग देखेंगे तो एक हॉल्ट है, जो कि अप ट्रेंड में जो आता है वो हॉल्ट है, और डाउन ट्रेंड आएगा थोड़ा नेगेटिव रहेगा तो वो लेवल रहेगा 17,341 के नीचे। अगर ये ट्रेड करता है तो हो सकता है, और सबसे यानी कि रिवर्सल रहेगा तो वो 17,000 है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, नियर लो है, नियर हाई जैसे कि 17,636 के ऊपर ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे लेवल बहुत क्लियर है और मार्केट आज एकदम फ्लैट है, तो कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं हम लोग देखेंगे इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर 17,441 एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनाया। इसके नीचे जाते तो हम लोग सेल करेंगे, बाइंग के लिए 17,528 के ऊपर ही हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे आज वहाँ पे रिसेशन भी लिया है तो ये लेवल रहेंगे कल के लिए। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, कैंडल नेगेटिव दिखता होगा क्योंकि ओपन थोड़ा हाई हुआ था, बाद में थोड़ा नीचे आया, पर कंपेयर टू यस्टरडे ये पॉजिटिव है। बट ये जो कैंडल है कुछ कॉन्फिडेंस उसमें नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं है। अगर हम लोग नजदीक वाला टॉप लॉस रखना है तो 31,142 ये जो लेवल है आप रख सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। 36,666 ये लेवल बहुत अच्छा है, उसके ऊपर क्लोज देगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा अप ट्रेंड और कंटिन्यू जो कि हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी। इंट्राडे का लेवल हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि आज का थोड़ा सा मार्केट डिफिकल्ट था, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था आज बहुत सारे इवेंट है, इवन जो कि मंथली एक्सपायरी भी था, तो यहाँ पे ऐसा डिफिकल्ट मार्केट होता ही है। यहाँ पे कल हमको सेलिंग करना है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में करेंगे 36,315 के नीचे हम लोग सेलिंग करेंगे, बाइंग के लिए 36,454 के ऊपर जाता है तो बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज का जो यहाँ पे लेवल पर है तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपने पहली लेवल हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि आज कॉम्प्लिकेटेड मार्केट था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया। हमने कल कुछ ये देखे थे स्टॉक, जिसमें से HDFC लाइफ, तो एक बार ये ऊपर गया था लेकिन इतना अच्छा नहीं,
बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा ऊपर भी गया था, बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था। देन आईसीआईसी बैंक यहाँ पे ऊपर ऊपर होने के बाद नीचे आया। यहाँ इसमें से मोस्टली जो कि ये था, देखिए कि अगर हम इंट्राडे में देखो तो हम लोग इसको मिक्स रिजल्ट बोल सकते हैं। तो जैसे कि एक्सपायरी में होता ही है, कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे इंट्राडे के लिए। उसके पहले आया टाटा कंज्यूमर, ये देखिए कि नियर जो है कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। 779 के ऊपर ज्यादा तो हम लोग बाइंग करेंगे, 791 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद है अशोक लेलैंड। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड में हम लोग 117 के ऊपर ज्यादा तो हम लोग यहाँ पे इसमें बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 122 का हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने यहाँ पे कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको मेरे साथ फ्यूचर ऑप्शन सीखना है, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी सीखना है, आने वाले सैटरडे को अपना एक वेबिनार है, वहां पे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके लिंक आप रजिस्टर कीजिए और हमारा वेबिनार ज्वाइन कीजिए। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।